For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। दोस्तों, बिग बॉस के घर में अभी तक जो है वो श्रीसंत डेफिनेटली कहते रहते थे कि मुझे घर छोड़ना है, मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे घर से निकल जाना है। लेकिन पहली बार बिग बॉस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स और जो कि हमेशा मस्त मिजाज में रहते हैं, रोमिल चौधरी बिग बॉस का शो क्विट करने की फिराक में नजर आए। जी हाँ, और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं अब रोमिल जो है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। लेकिन घर में एक ऐसी बात आज होने वाली है जिसको देखकर आप भी शायद शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, लग्जरी बजट टास्क घर में दिया जाता है गांव की पंचायत, जिसमें सब घर वालों को एक दूसरे पर इल्जाम लगाने होते हैं। और जैसे ही सुरभि की बारी आती है, जब सुरभि कटघरे में होती है और कहा जाता है कि सबको उन पर इल्जाम लगाना है, तो रोमिल जो है वो काफी कुछ चीजें कहते हैं कि सुरभि बहुत घमंडी है और ऐसी है और वैसी है, सुरभि बहुत गेम्स खेलती है। लेकिन जैसे ही सुरभि की बारी आती है, जब टास्क खत्म हो जाता है, टास्क पॉज पे होता है, उस वक्त सुरभि जो है वो इतना गंदा कमेंट करती है जिसको लेकर रोमिल काफी अपसेट हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। और पहली बार आप शो में रोमिल को रोते हुए दिखेंगे। जी हाँ, रोमिल काफी अपसेट हो जाते हैं, रोमिल रोने लग जाते हैं। और सुरभि ने जो स्टेटमेंट दिया है मैं आपको बताती हूँ। सुरभि ने कहा सब कैमराज के सामने जाके कि रोमिल एक बहुत गंदा इंसान है, वो मुझे गंदी नजर से देखता है। जी हाँ, अब इसका क्या मतलब है ये तो हम सभी जानते हैं। और सुरभि ने ऐसा क्यों किया है, क्यों? क्योंकि रोमिल ने कटघरे में जब सुरभि थी तब उनसे बहुत सारी बातें कही। लेकिन सुरभि को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अपने औरत होने का फायदा नहीं उठा सकती है टास्क में। दिस वॉज लाइक पथेटिक, अनदर लेवल पथेटिक, कि आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो अपने भाई को लेकर, जिसको आप भाई भाई कह रहे थे शो में, उसको लेकर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो कि मुझे गंदी नजर से देखता है। जिस पर स्वामी कहती हैं कि रोमिल आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, वो कुछ भी कह रही हैं। वाकई में सुरभि जो है वो शायद गुस्से में अपना आपा इतना खो देती है कि उन्हें समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन दोस्तों, सुरभि के इस रिएक्शन पर आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है सुरभि ने ये सही किया? भले ये गेम में कहा उन्होंने, लेकिन इतनी घटिया बात कहना, वो भी सिर्फ गेम के बेनिफिट के लिए, हर कैमरा पर जाकर सुरभि ने ये बात कही है कि रोमिल मुझे गंदी नजर से देखते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत डिमिनिशिंग थॉट है, बहुत डिमिनिशिंग बात है, जहां सुरभि अपने आप को भी गिरा रही है और साथ ही साथ को कंटेस्टेंट को भी गिरा रही है, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। तो दोस्तों, इस चीज पर आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, सुरभि सही कर रही है या गलत है? बिकॉज कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पर इस वॉर में इस तरह की हरकत करना आपको जायज लगता है या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिए और अपने आंसर्स बताइए।